बुलंदशहर में माफिया हाजी आरिफ की 1,68,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं आप हलचल। अपराध से बेतहाशा पैसे कमाने वालों की अब खैर नहीं है। लगातार गैंगस्टर की कार्रवाई के चलते ऐसे माफियाओं की संपत्ति कुर्क की जा रही है। खुर्जा देहात खुर्जा में गैंगस्टर एक्ट की मुकदमे की प्रक्रिया में 4 दर्जन से अधिक मुकदमों का आरोपी हाजी आरिफ की फैक्ट्री को कुर्क करने की कार्रवाई अमल में लाई गई है। कुर्क की गई फैक्ट्री की कीमत लगभग 1,68,00,000 रुपये बताई जा रही है। अपराधियों की एक एक अवैध संपत्तियों को जिला प्रशासन चुनकर कार्रवाई कर रहा है। गैंगस्टर के तहत उन पर कार्रवाई करते हुए संपत्ति कुर्क की जा रही है। इसी क्रम में खुर्जा निवासी हाजी आरिफ के आलिशान फैक्ट्री को ढोल नगाड़े बजाकर मोहल्लेवासियों के सामने कुर्क करने का नोटिस चस्पा किया गया। आज SDM खुर्जा, SEO खुर्जा और अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचा और गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए हाजी आरिफ की फैक्ट्री को सील कर दिया गया और फैक्ट्री पर सरकारी सील लगा दी गई। साथ ही सरकारी नोटिस भी शीला पट्टिका के रूप में चस्पा कर दिया गया। शासन प्रशासन की मंशा साफ है, यदि अपराधियों ने गलत तरीके से पैसा कमाकर जनता का शोषण किया है तो उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। यह वही हाजी आरिफ हैं जिसका कई वर्ष पहले तमंचे पर डिस्को करते हुए महिला के साथ वीडियो वायरल हुआ था। खुर्जा देहात के गाँव इस्लामाबाद में इसका साम्राज्य चलता था। गौकशी लूट जैसे अपराधों के धंधे कर काली कमाई की गई संपत्ति को राज्य सरकार ने आज अपनी मोहर लगाकर ऐसे अपराधियों की कमर तोड़ दी है। सुनिए क्या कुछ कहना है खुर्जा CEO वरुण कुमार। सर, एक अपराधी की संपत्ति कुर्क की गई है, क्या नाम है सर? कितनी संपत्ति कुर्क की गई है और कितने मुकदमे चल रहे हैं? ये थाना खुर्जा देहात जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना खुर्जा देहात के गाँव इस्लामाबाद स्थित हाजी आरिफ नाम का एक व्यक्ति जिसके द्वारा अब जनपद के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती और गौ हत्या से संबंधित कुल 51 मुकदमे पंजीकृत हैं और इस साथ ही इसके द्वारा अपने अवैध आर्थिक गतिविधियों से जो अवैध धन अर्जित किया गया था उसके आधार पर गांव इस्लामाबाद में एक मीट फैक्ट्री का निर्माण किया गया था। इसे आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर के आदेशानुसार राज्य सरकार के पक्ष में 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा रहा है। इस संपत्ति की कुल कीमत लगभग 1,68,00,000 रुपए है। हापुड़ हलचल के लिए बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट।